नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक्सप्लोर विद अरुदेव में। और एक बार फिर हम हाजिर है कुछ ऐसा लेकर जिसे जानकर आप शायद कह उठेंगे कि अरे ये तो हमें मालूम ही नहीं था। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं कि आज हम आपको किस जगह से रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम है गोवा में। गोवा का नाम सुनकर जनरली हमारे जहन में बीचेस, नाइट पार्टी और कैसीनो जैसी चीजें सामने आती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे गोवा के एक ऐसे फोर्ट के बारे में जो लगभग 400 साल पुराना है और इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा गोवा में डच और मराठों से खुद को बचाने के लिए किया गया था। यहाँ एक जेल है जिसे अब गोवा की सबसे बड़ी जेल में बदल दिया गया है। इसके अलावा कहा जाता है कि यहाँ से मादक पदार्थों की तस्करी भी की जाती थी और यह किला कभी समंदर में सफर पर जाने वालों की प्यास भी बुझाता था। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए इतने सारे इंटरेस्टिंग किस्सों के गवाह रहे अगवाडा फोर्ट को जानने के लिए। दोस्तों, अगवाडा फोर्ट गोवा के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है जो कि अगवाडा बीच और सिंकोरियम बीच के पास ही स्थित है और गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले जानते हैं इस किले के इतिहास के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगवाडा किला पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। यह वही पुर्तगाली है जिन्होंने यूरोप से भारत पहुंचने के लिए सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी और उसके बाद धीरे धीरे भारत में अपनी पेट बनाने के लिए किलों का निर्माण किया। इस किले का निर्माण 1609 में शुरू किया गया था और 1612 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। अगवाडा किले का निर्माण तात्कालिक वायसराय रुयु तवारो के शासनकाल में हुआ था। अब बात करते हैं अगवाडा किले की संरचना के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह किला पुर्तगालियों की वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। यह किला लैटेराइट पत्थरों से बना हुआ है जो कि गोवा में काफी मात्रा में पाया जाता है। यह फोर्ट दो हिस्सों में बटा हुआ है। इसका ऊपरी भाग एक किले के रूप में और पानी के स्टेशन के रूप में काम करता है और निचला भाग पुर्तगाली जहाजों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करता था। इसी किले में आपको एक लाइट हाउस भी दिखेगा जो कि साल 1864 में बनाया गया एशिया के सबसे पुराने लाइट हाउसों में से एक है। यह एक 4 मंजिला स्ट्रक्चर है और इस लाइट हाउस का उपयोग जहाजों को सुरक्षित बंदरगाह उपलब्ध कराना और निगरानी करना था। एक समय था जब तेल के दियो का इस्तेमाल हर 7 मिनट के बाद यहाँ से रोशनी करने के लिए किया जाता था। दोस्तों, अगवाडा फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि कभी यह किला समंदर में सफर करने वालों की प्यास बुझाता था और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मीठे पानी का भंडार है। और अपने स्वर्णिम काल में अगवाडा किला एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी के भंडार में से एक के रूप में काम करता था और इसमें लगभग 23,76,000 गैलन पानी स्टोर करने की क्षमता थी। इस किले में एक बारूद का कक्ष, बुर्ज और एक खाई भी है। किले की वास्तुकला के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक इसमें एक गुप्त मार्ग है जिसे किसी आपात स्थिति या युद्ध के दौरान उपयोग में लाने के लिए बनाया गया था। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अगवाडा जेल की। तो दोस्तों, इस किले में एक जेल भी है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से नशीले पदार्थों के सेवन, मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता था। किले के इस हिस्से को सालाजार प्रशासन के समय जेल में बदल दिया गया था और यह जेल अब जनता के लिए बंद है। इसमें एक मूर्ति भी है जो गोवा की आजादी की लड़ाई को दर्शाती है और प्रत्येक 18 जून को यहाँ गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों को सलामी देने और उनकी याद में एक समारोह आयोजित किया जाता है। अब वीडियो में लाते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट और होते हैं थोड़ा सा फिल्मी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस अगवाडा फोर्ट में कई बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है जिसमें सुपरहिट मूवी दिल चाहता है, धूम, गोलमाल और रंगीला जैसी मूवीज शामिल है। दोस्तों, अगवाडा किला सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां गोवा के इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से को आकार दिया गया था। अगर आप इतिहास के शौकीन नहीं है तो भी आप किले की प्राकृतिक सौंदर्यता और अरब सागर की लहरों के बीच इस किले के कुछ मनमोहक दृश्यों को कैद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई गोवा के अगवाडा फोर्ट से जुड़ी कुछ जानकारियां। और अगर ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टूरिस्ट प्लेसेस से जुड़ी जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। अपने देश में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों और भारत देश की विविधता में एकता को दर्शाने के लिए यह हमारा छोटा सा प्रयास है।
जिसे आपकी मदद से हम और भी आगे पहुंचा सकते हैं, ताकि सभी लोग भारत देश के गौरवमय इतिहास और संस्कृति के प्रति जागरूक हो सकें।